फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ एडवोकेट तनुषा मिश्रा फ्रॉम दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। तो आज हम अपने इस चैनल पे एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लाए हैं जिसका आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन का। इसके बारे में आज हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि हमें हमारे पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए इस एग्जाम को देने के लिए। तो टारगेट फॉर आईक्यू बहुत ही जल्द एक पेड ग्रुप स्टार्ट करने वाला है जिसमें आपको दिल्ली जुडिशियल से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेंगी, दिल्ली के बेस्ट एडवोकेट्स एंड बेस्ट टीचर्स से, ठीक है। और दिल्ली में 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। अगर आप दिल्ली जुडिशियरी एग्जाम आपका क्लियर नहीं होता, आप जज नहीं बनते, तो आप बहुत अच्छे एडवोकेट बन सकते हैं। यहाँ पे रोहिणी है, 30,000 है, करकलडुमा है, साकेत कोर्ट है, हाई कोर्ट भी दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली में है, ठीक है। तो हम आज सारी बातों पे चर्चा करेंगे कि हमारी क्या एज होनी चाहिए, हम कौन कौन से मजिस्ट्रेट बन सकते हैं, एमएम क्या होता है, ठीक है, रेंट कंट्रोलर मजिस्ट्रेट क्या होते हैं, हम ये सारी चर्चा आज करेंगे। अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट करते हो, हम पेड ग्रुप नेक्स्ट मंथ स्टार्ट करने वाले हैं मे बी आपके क्वेरी के अकॉर्डिंग, तो अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट करते हो तो जब तक वैकेंसी आएगी आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कवर होगा। जब सिलेबस ऑलमोस्ट कवर होगा तो आपको कोई डर नहीं होगा। और दिल्ली जुडिशरी बिल्कुल एग्जैक्ट बेयर एक्ट में चलती है। बेयर एक्ट से बिल्कुल आपके जो भी क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट सेक्शन पे जाते हैं, और प्रैक्टिकल लेवल पे क्वेश्चंस यहाँ पे ज़्यादा आते हैं, ठीक है। सिचुएशनल क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन का सिचुएशन बना के आपसे पूछते हैं। तो आप टारगेट फॉर आईक्यू के साथ जुड़िए, आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको सारी चीज़ों की तैयारी करवाएंगे, प्री मेंस, और आपको टेस्ट पेपर्स भी देंगे, इंटरव्यू की तैयारी भी करवाएंगे। आप दिल्ली की बेस्ट फैकल्टी से घर बैठे पढ़ सकते हैं। आप दिल्ली आएंगे, कोचिंग वगैरह ज्वाइन करेंगे, आपको यहाँ पे रहने की प्रॉब्लम, अभी जैसे कोविड सिचुएशन चल रही है तो घर वाले भी अलाउड नहीं करते कि आप बाहर जाओ, तो आप घर में बैठ के टारगेट फॉर आईक्यू के थ्रू बहुत नॉमिनल फीस में, बहुत थोड़ी फीस है जो कि आप अपनी पॉकेट मनी से भी हमें पे कर सकते हो, और आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। बाकी हमारे फ्री ग्रुप्स चल रहे हैं यूट्यूब पे, आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। पायल जैन मैम है जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रही हैं अभी, ठीक है। उमा मैम है, उन्होंने सीआरपीसी की वीडियो बनाई है, मैं खुद हूँ, मैंने डोमेस्टिक वायलेंस की और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की वीडियोज़ बनाई है, आप उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आप क्वेरी करिए, हम आपको बताएंगे। देखो दिल्ली में जज बनने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है ना, कि आप पूरी ज़िंदगी आपको दिल्ली में ही रहना है, ठीक है। आप यूपी में जज बन जाते हो, आप जज तो देखो जज होता है कहीं का भी हो, यूपी का हो, बिहार का हो, झारखंड के हो, जज मतलब जज, ठीक है। बट दिल्ली में क्या है, आप घूम फिर के पूरी लाइफ दिल्ली में ही रहोगे। तो स्टूडेंट्स, हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली में जज बनने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, कि आप घूम फिर के सारे लाइफ आपको दिल्ली में ही रहना है, ठीक है। और अगर आप जज नहीं बन पाते हो तो आपके पास क्या ऑप्शन है, कि आप जो है दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर सकते हो, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि दिल्ली में 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया होगा स्टार्टिंग में, रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, तीसदारी, साकेत, करकरडुमा, ये सारी, और हाई कोर्ट भी दिल्ली में ही है, ये सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिल्ली में है। तो अगर आप दिल्ली जुडिशरी की तैयारी करते हो तो आप अगर जज नहीं बनते तो बहुत अच्छे एडवोकेट बन सकते हो दिल्ली के अंदर, ठीक है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, सिलेबस पे। ये हमारा टारगेट फॉर आईक्यू का नंबर है 7500110314, ये आप नोट कर लो नंबर, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि एग्जामिनेशन नेम क्या है इसका, DJS, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज, ठीक है। कंडक्टिंग बॉडी कौन सी है इसकी, दिल्ली हाई कोर्ट, इसको कंडक्ट कौन कराता है, दिल्ली हाई कोर्ट। स्टेजेस क्या है इसमें, प्री मेंस इंटरव्यू, ठीक है। मैक्सिमम अटेम्प्ट्स इसमें कितने हैं, 6। एज लिमिट कितनी है, 32 ईयर्स। एप्लीकेशन फी कितनी है, एप्लीकेशन फी 1000 फॉर जनरल कैंडिडेट, 200 फी फॉर रिजर्व कैटेगरी, ठीक है। अब हम आते हैं इसमें, देखो क्या है ना, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज करने के दो फायदे हैं। एक तो मैंने बता दिया आपको पूरी लाइफ दिल्ली में रहना है, एंड दूसरा फायदा क्या है, अगर आप हरियाणा जुडिशियरी की भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो हरियाणा और दिल्ली का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी इंग्लिश में काम होता है और दिल्ली में भी इंग्लिश में काम होता है। अब हमारे माइंड में ऑप्शन आता है एक ये, कि हमें तो इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती जितनी आनी चाहिए, तो हम दिल्ली जुडिशरी कैसे क्रैक करेंगे, है ना। तो देखो, इंग्लिश से फर्क नहीं पड़ता, इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, आपको लॉ आना चाहिए। अगर आपको लॉ आता है ना, तो आप बहुत आराम से दिल्ली जुडिशरी क्रैक कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ नोट कर लीजिए इतनी चीज़ की, एग्जामिनेशन दिल्ली, कंडक्टिंग बॉडीज की दिल्ली हाई कोर्ट है, 3 फेज में एग्जाम होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम अटेम्प्ट इसमें 6 है, ये आपको कोई नहीं बताता, आपको बस इतना पता है किसी किसी स्टेट में 35 है, राजस्थान में 37 है, यूपी में 4 अटेम्प्ट है, दिल्ली में 6 अटेम्प्ट है,
ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि क्या मोड होता है एग्जामिनेशन का। आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया है कि हाउ टू क्रैक डीजीएस, मैंने आपको सिलेबस बता दिया है। प्री मेंस और इंटरव्यू होता है, ठीक है। प्री का 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, मेंस का 850 मार्क्स का, इंटरव्यू 150 मार्क्स का। तो अब हम आगे जानेंगे कि एग्जाम किस किस फेजेस में होते हैं, मेंस में क्या होता है, मेंस में सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है, ठीक है, लैंग्वेज पेपर क्या होता है। तो अब ये चीज़ें मैं सेकेंड पार्ट में जानूंगी, ठीक है। इसलिए मैंने आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर कर दिया, आपको समझ में आ गया। मैंने प्री मेंस इंटरव्यू तीन तरीके से एग्जाम होते हैं, अब मेंस में सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, क्या चीज़ें होती है, ये आगे हम अपने सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि डीजीएस के फ़ायदे क्या क्या है। पहली बात तो ये है कि आप पूरी उम्र आपको दिल्ली में ही रहना है, आउट ऑफ दिल्ली आपको कभी नहीं जाना। और दूसरी बात, आप हमेशा याद रखिएगा, लैंग्वेज आपके इंटेलिजेंस का परिचय कभी नहीं है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, इट डजेंट मीन कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो, ओके। इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है। अगर आपको लॉ आता है तो आप जज बन सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप जज नहीं बन सकते तो आप दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं बार बार ये बोलूँगी आपको, और हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं, आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करिए, और हमारी बहुत नॉमिनल फीस है। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अब मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊँगी, मतलब सारा सिलेबस, तो नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।